और जब कोई व्यक्ति, जब कोई लड़का, जब कोई लड़की उन जैसा बनने के लिए सोचता है तो उसे ठोकरों के अलावा कुछ नहीं मिलता, क्योंकि सिनेमा हॉल, पिक्चर, अखबार, बड़े सारे गाने, फिल्में, मैंने बड़ा पैसा खराब किया इसमें, समय भी बहुत खराब किया और घंटे भी बहुत खराब किए, दिमाग भी बहुत खराब किया, आपने भी किया होगा, क्योंकि अनजाने में जब जानकारी नहीं होती तो हम ऐसा करते हैं। मैं पिक्चरों का बड़ा शौकीन रहा, स्कूल से क्लास छोड़ छोड़ के पिक्चर देखने जाया करता था, कॉलेज में आया तो कॉलेज बंक करके पिक्चर देखने जाया करता था, बहुत पैसे मैंने खर्च किए, फिर टीवी आ गया, टीवी में मैंने बहुत समय खर्च किया और साथ ही साथ सबसे ज्यादा नुकसान मैंने अपने दिमाग का किया, क्योंकि उन पिक्चरों में था क्या, कोई बताने वाला तो था नहीं, पिक्चर में ऐसा है, पिक्चर में वैसा है, पिक्चर ये है, पिक्चर वो है, कौन सी पिक्चर देखनी चाहिए कौन सी नहीं। भारत में अमूमन दो तरह की पिक्चर बनती हैं, एक बनती है मसाला पिक्चर जिसको बोलते हैं ये पिक्चर लोगों के मनोरंजन के लिए है, और एक बनती है आर्ट पिक्चर, यानी कि जो आर्ट पिक्चर होती हैं उनमें एक सब्जेक्ट होता है, एक बात होती है, कहानी होती है जो रियलिटी बेस होती है, जो भारत में चल रही है। अगर जो कमर्शियल पिक्चर होती है, जो नॉन आर्ट पिक्चर होती है, उसमें कोई कहानी सच नहीं होती, उसमें पूरा गप होती है, पूरी कल्पना होती है और वो दिमाग खराब करने वाली होती है। क्या दिखाते हैं उसमें, नंगे नंगे शरीर, नंगी नंगी टांगे, और उसका प्रदर्शन पूरे जोर पर। जो लोग भाग हैं वो कल्पनाओं के परे दिखाए जाते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां, बड़े बड़े घर, बड़े बड़े पैसे, खूब सारी हिंसा, खूब गोलियां चलती हुई, खूब चाकू से काटते पीटते लोग, कहानियां बिल्कुल ऐसी जो बेसर पैर की हैं, जो कहीं हो नहीं सकती, खूब उसमें धार्मिकता परोसी जाती है, खूब उसमें इमोशंस जोड़े जाते हैं, क्योंकि वो मसाला पिक्चर है, वो पिक्चर मनोरंजन के हिसाब से है कि आपको ऐसी कल्पना में लेके जाते हैं कि आप दो ढाई घंटे के अंदर सब भूल जाते हैं। मगर मुसीबत उनके लिए है जो उस कल्पना को सच मान के अपनी जिंदगी उसकी तरह कर लेते हैं। बहुत सारे नौजवान और नौजवानी लड़की जितनी भी हैं वो उन कल्पनाओं में बह जाती हैं, जो रियलिटी है, वास्तविकता है, उससे हट जाती हैं, हट जाते हैं और जिंदगी को पिक्चर में देख के पिक्चर जैसा बनने की कोशिश करते हैं। एक साइड इफेक्ट उसका यह होता है कि जैसे कपड़े हीरो हीरोइन पहनते हैं वैसे कपड़े मार्केट में डिमांड में आ जाते हैं, उनकी कीमत बहुत होती है, वो महंगे होते हैं, तो गरीब आदमी का पैसा उसमें चला जाता है, फिर उसमें शान और शौकत बहुत दिखाई जाती है, फिर उसके अंदर ऊंच नीच बहुत होती है, यानी हीरो और हीरोइन जो होंगे वो एक बड़े खानदान के बड़े नाम के होंगे और पटने वाले जो लोग हैं वो छोटे लोग होंगे। हमेशा जो कहानी दिखाई जाएगी, दिमाग में डाली जाएगी, वो बड़े जो लोग हैं उनको स्थापित करने के लिए, वो दिमाग में डालने के लिए डाली जाती है, क्योंकि उसमें छोटा आदमी हीरो नहीं बनाया जाता। जो रिक्शे वाला है वो हीरो नहीं होगा, जो ईंटा उठाने वाला है वो हीरो नहीं होगा, जो घास काटने वाला है वो हीरो नहीं होगी, जो गांव में काम करने वाला है वो हीरो हीरो नहीं होंगे। हीरो हीरोइन हमेशा ऊपर शहर में कहीं से आते हैं, बड़े गोरे चट्टे लंबे चौड़े चिकने होते हैं, वो आपके दिमाग में डाले जाते हैं, उन्हीं के बच्चे बाद में फिर हीरोइन बन जाते हैं, चाहे उनकी शक्ल कैसी भी हो, दो चार पिक्चरें उनकी पिट्टी पटाती हैं, फिर वो दिमाग में उनकी पिक्चर बन जाती है, वो ठीक से लगने लगते हैं। बाकी नीचे के जो लोग हैं, चाहे वो खेती किसानी करने वाले हैं या मजदूरी करने वाले हैं, उनके लिए हीरो हीरोइन का कोई स्कोप उसमें होता नहीं, कोई स्कोप नहीं है उसके अंदर, उनकी कोई पहुंच नहीं है, कोई एकाध इक्का दुक्का बिल्ला आ भी जाए तो वो भी वैसा ही हो जाता है, भूल जाता है कि वो कहां से आया है, क्योंकि उसे उस सोसाइटी में रहना है। तो पिक्चरें सबसे ज्यादा कहां दिमाग खराब करती हैं, पिक्चरें जो दिखाती हैं हम वैसे ही बन जाते हैं, हम उसको हीरो और हीरोइन को अपना आदर्श मान लेते हैं और आदर्श मान के वैसे ही बन जाते हैं, वैसी हमारी सोच बन जाती है। कोई भी पिक्चर हमें जगाने वाली नहीं होती, हमें बताने वाली नहीं होती कि हमारा पैसा कहाँ जा रहा है, हमारा दिमाग कहाँ जा रहा है, हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कैरियर में हमें क्या करना चाहिए, कैरियर बेस क्या है हमारे लिए, क्या काम करना चाहिए, कौन सी आदतें ठीक हैं, कौन सी नहीं है।
हीरो हीरोइन को खूब शराब पीते हुए, खूब बीड़ी पीते हुए दिखाया जाता है। कोई नहीं हमें कहता कि ये हीरो हीरोइन जो शराब पी रहे हैं ये जहर है, उसमें उनका वो कोई सीन नहीं होता कि जब कैंसर से कोई शराब पीने वाला या बीड़ी पीने वाला तड़पता है तो तड़पते हुए की फोटो हीरो हीरोइन के रूप में आ जाए। वो हमेशा बहुत अच्छे अच्छे कपड़े, बिल्कुल चमकदार घर, चमकदार गाड़ी पर रहते हैं, जो कि आम जीवन में बिल्कुल इम्पॉसिबल होता है। और जब कोई व्यक्ति, जब कोई लड़का, जब कोई लड़की उन जैसा बनने के लिए सोचता है तो उसे ठोकरों के अलावा कुछ नहीं मिलता, क्योंकि पिक्चर का जो हीरो हीरोइन है उसे कहीं कमाने के लिए जाना नहीं पड़ता, ना ही उसे कोई रोजगार करना पड़ता है। वो तो सिर्फ एक कल्पना की पैसे ले लेता है, एक कल्पना को बेचता है, एक इमेजिनेशन बेचता है, एक सपनों को बेचता है। सपनों के खरीदार वो लोग होते हैं जो पैसे दे के उस गंदगी को अपने दिमाग में लेके आते हैं। बहुत दिन बाद ये समझ में आया कि पैसा भी हम दे के जा रहे हैं और दिमाग में गंदगी भी लेके आ रहे हैं, तो फिर पिक्चर देखना छोड़ दिया। बहुत कोई पिक्चर ऐसी जिसको आर्ट पिक्चर है, क्योंकि आर्ट पिक्चर जो होती हैं वो यथार्थ पर आधारित होती हैं, वास्तविकता पर आधारित होती हैं, वो चैलेंजिंग होती हैं, वो अच्छी होती हैं, उनको देखना चाहिए। वो कमर्शियल नहीं होती हैं, इसलिए मार्केट में पर्दे पर चल नहीं पाती, आपको फ्री में नेट में इंटरनेट में मिल जाएंगे। तो वो पिक्चर देखेंगे तो आपको उसमें अपना चेहरा दिखाई देगा, हकीकत दिखाई देगी, तो आप जमीन पर रहेंगे तो लड़ने की और आगे बढ़ने की क्षमता आपकी बढ़ेगी। इसलिए मुझे तो देर से समझ में आया, और जब समझ में आया तो मैंने फिर फ्री में भी पिक्चर देखना बंद कर दिया। मगर अगर आपको समझ में आता है, आप नौजवान हैं, आप कम उम्र के हैं, तो पिक्चर से कुछ नहीं हासिल होने वाला। और अब तो आपके हाथ में पिक्चर आ गई है, दो दो मिनट की, तीन तीन मिनट की, बहुत सारी स्टोरी और पिक्चर लगातार लगातार, जिनसे कोई फायदा नहीं है सिवाय आपका दिमाग खराब करने के। लगता है कि आपको मनोरंजन हो रहा है, मनोरंजन नहीं होता, आपका दिमाग खराब होता है, आप किसी काम के नहीं बचोगे, नकारा हो जाओगे, निकम्मे हो जाओगे, आपका करियर खत्म हो जाएगा, बाद में आप भूखे मरोगे। तो बेहतर है कि अभी इसको छोड़ दें और सही जिंदगी में सही करियर बनाने वाली जो चीजें हैं उनको देखें, नेट पर वो भी उपलब्ध हैं। आपको कैसे करियर बनाना है यूट्यूब में वो चीजें भी हैं। अच्छे लोग उन्हीं वीडियो को देखते हैं, उन्हीं पिक्चर को देखते हैं, और जिनको समझ नहीं है वो उन कहानियों में भटक जाते हैं जिनसे तबाही के अलावा कुछ नहीं मिलता। इसलिए जो एक अच्छा मजहब, एक अच्छा धर्म होता है, उसमें उन गंदी पिक्चरों को देखना हराम भी घोषित किया जाता है। ये हराम है, दिमाग में डालती हैं, इनको नहीं देखना चाहिए। गंदी चीज सारी हराम ही होती है, यानी कि नॉट टू डू, नहीं करने, यानी ये नहीं करना चाहिए, उसको उर्दू में हराम बोलते हैं। गलत काम नहीं करना चाहिए, ये चीज आपको खराब कर देगी, इसलिए ये हराम है, बैन है, यानी बैन को, नॉट टू डू को उर्दू के अंदर हराम बोलते हैं। तो वो जो हराम चीजें हैं जो बैन होनी चाहिए वो आपको नहीं इस्तेमाल करनी चाहिए। धन्यवाद। आप सभी से ये निवेदन है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है या बाकी वीडियो अच्छी लगी हैं, और आपको लगता है कि धर्म की वीडियो किसी को और मिलनी चाहिए, या किसी को गिफ्ट में भेजनी चाहिए, या किसी भाषा में कन्वर्ट करके आगे बढ़ानी चाहिए, या प्रिंट में, किताब में छापनी चाहिए, या इसकी जो ऑडियो है उसे निकाल के भेजना चाहिए, या इसका किसी पार्ट को इस्तेमाल करना चाहिए, तो आपको लिबर्टी है, आपको छूट है, ये सभी कॉपीराइट फ्री हैं। आप अपने फेसबुक पे, अपने पेज पे, अपने ट्विटर पे, या अपने हैंडल पे, या लिंक को कहीं भी शेयर कर सकते हैं, कहीं भी चला सकते हैं, आप यूट्यूब पे भी चला सकते हैं, अपने नाम से चला सकते हैं। इसके लिए इजाज़त लेने की या परमिशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप इसको अपना मान के चलाएं, क्योंकि धम्म सबका है, हम जो बताते हैं वो भगवान बुद्ध का है या महापुरुषों का है, उन्हीं की बात को सरल भाषा में बताते हैं। हमारा सिर्फ इतना राइट है इस पे कि हम इसको लोड कर देते हैं, बाकी सारी ये पूंजी आपकी है। धन्यवाद। Gachami.
ब्रह्मं शरणं गच्छामि मिठटारिर्मनि सिखापदिस्मादियामि कामेषु मिठटारिर्मनि सिखापदिस्मादियामि कामेषु मिठटारिर्मनि